बैठी रहो, तुम्हें सिर्फ देख रहा हूँ। सुनो तो बलू। क्या बात है मोगली? मुझे अपने चश्मे दो ना प्लीज। मेरे चश्मे क्यों? मैं इन तितलियों को करीब से देखना चाहता हूँ, पर जब भी इनके पास जाता हूँ ये उड़ जाती हैं। पर बात ये है मोगली, इनके बिना मैं ठीक से देख नहीं पाता। प्लीज, मैं जल्दी वापस कर दूंगा, सच्ची ये वादा है मेरा। अच्छा तो ठीक है, पर जल्दी लौटा देना। देखो तो मुझे कैसा लग रहा हूँ बलू, मैं हूँ दिमाग वाला मोगली, इस जंगल का राजा। देखना कहीं गिरा मत देना, मेरे पास ये एक ही चश्मे हैं। टेंशन मत लो बलू। ओह, ये वाली तितली सबसे खूबसूरत लगती है। ये भी अच्छी है। बस अब बहुत हो गया मोगली, चश्मे लौटा दो। जल्दी दो वरना मैं बेहाल हो जाऊंगा। हाँ अभी देता हूँ, बस थोड़ी देर प्लीज। देख के इंसानी बच्चे, मेरी पूंछ पर खड़े हो तुम। माफ करना मैडम, दरअसल मेरी चीज खो गई है। हे! तुम चिल्लाए क्यों मोगली? किससे बात कर रहे थे? और मेरे चश्मे कहाँ हैं? अरे कहाँ ले जा रही हो? वो मेरे दोस्त के हैं। कहाँ चली गई थी? चलो ना खेलते हैं। क्या हुआ, खेलने का मूड नहीं है क्या? खेलना बच्चों का काम है। ओ, जरा देखो तो, माशा इतनी बड़ी हो गई कि अब हमें बच्चा कह रही है। साफ साफ असली बात क्यों नहीं बताती माशा? अब मैं हूँ दिमाग वाली माशा, इस जंगल की रानी। बंदरिया लग रही हो, कहाँ से मिले तुम्हें ये? इन्हें चश्मे कहते हैं और सिर्फ मेरे जैसे दिमाग वाले जानवर इन्हें पहनते हैं। ये किसका माफ है? ज्यादा सवाल मत करो, अब वक्त है रानी माशा का अपने लोगों से बात करने का। मोगली, क्या तुम्हें यकीन है चश्मे एक बंदर ही लिए गया? बंदर नहीं, बंदरिया, पक्का कह रहा हूँ। एक बंदर हो या बंदरिया, मेरा तो नुकसान हो गया ना। इन बंदरों का दिमाग खराब होता है। ओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बलू, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने तो माफी मांग ली, पर मुझे इनके बिना ही जिंदगी काटनी पड़ेगी ना। अब ऐसे खड़े खड़े मुझे देख क्या रहे हो, ऐसी रोतरू सी शक्ल मत बनाओ। बलू, तुम एक पेड़ से बतिया रहे हो क्या? बगीरा, हमें ठंडी गुफा की तरफ जाकर उन बंदरों को ढूंढना होगा। नहीं मोगली, आज रात तुम कहीं नहीं जाने वाले। खाना खाओ और चुपचाप सो जाओ। बंदरिया कहीं की, समझ में नहीं आता वो चश्मे का करेगी क्या। हाँ तो तुमने पूछा था पहाड़ों पर बर्फ क्यों जमती है, रानी माशा जवाब देगी। दरअसल पहाड़ों पर बर्फ चांद से गिरती है। तो चांद पे बर्फ कहाँ से आती है? जमती है, तभी तो वो इतना सफेद है। मैं पूछूंगा, हाथियों की नाक इतनी लंबी क्यों होती है? इतना आसान सवाल, अरे उसकी मदद से वो पेड़ पर चढ़ते हैं। पर मैंने किसी हाथी को पेड़ पर चढ़ते नहीं देखा। अब तुम्हें पता कर वो पेड़ पर चढ़ेंगे। हमारी रानी माशा बंदरों के इतिहास की सबसे समझदार बंदरिया है। बस अब और सवाल नहीं, अब जाओ और अपनी रानी के लिए खाना लेकर आओ और साथ ही रानी के लिए राज सिंहासन भी लाओ। कहा ना, और सवाल नहीं। मैं तो ये पूछ रहा था कि ये राज सिंहासन क्या होता है?
तुम कुछ खाओगे नहीं मोगली? नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे अब सोना चाहिए। गुड नाइट बगीरा, गुड नाइट बलू। बलू, मुझे माफ करना। गुड नाइट मोगली। आपको पसंद आया ना रानी माशा? छी, ये कच्चा है। ये तो अच्छा है ना रानी माशा? बहुत पका है। कौन है ये गुस्ताख? इंसानी बच्चा। तुम बंदरों को तो रानी की कतरी नहीं है। कोई गाना गाओ, कोई ऐसा गाना जो सिर्फ मेरे लिए लिखा गया हो, ताकि जो भी जानवर उसे सुने तो उसे लगे मैं यानी रानी माशा इस बंदर इलाके की रानी हूँ, समझे? बलू, तुम्हें नहीं लगता तुमने मोगली को गुस्से में कुछ ज्यादा ही डांट दिया? उसे पता भी नहीं था कि वो बंदरिया आसपास है। सही कह रहे हो बघीरा, मुझे भी लग रहा है शायद वो बुरा मान गया होगा। ओ बेचारा मोगली, कैसे दुबक कर सोया है, कहीं इसे बुरे सपने ना आ रहे हो। बलू, ये मोगली नहीं है, वो कहीं गया है। अरे कुछ तो गाओ। रानी माशा, तुम रानी हो महान, जिनकी अपनी है शान, ऐसा और कोई नहीं महान। इंसानी बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके लिए गा रहा हूँ रानी साहिबा। रानी माशा, तुम रानी हो महान, तुम रानी हो सुंदर, ये मानते हैं सब बंदर। तुम दिल की एकदम सच्ची, जैसे कोई भोली बच्ची और खाती हो केले। तो चलो अब डांस हो जाए। आवाज वहीं से आ रही है। क्या नाचती हो? पर और अच्छा नाचोगी अगर चश्मे मुझे दोगी। अरे देख क्या रहे हो, जाओ पकड़ो उसे। पर हम क्यों जाएं? तुम्हारी रानी होने की। शेर खान, अगर तुम्हें इसे खाना है तो तुम्हें पहले मुझे खाना होगा। जैसा तुम कहो, इसे मैं मीठे में खा लूंगा। आ गए हैं मोगली, घबराना मत। कौन है ये गुस्ताख? देख लूंगा एक एक को। वाह मोगली, ठंडी गुफा में अकेले जाकर तुमने अपनी बहादुरी का सबूत दिया है, पर तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे, इसलिए अगली बार ऐसे मौकों पर हमें बता कर जाना। माशा ने भी बहादुरी दिखाई और उसके साथियों ने भी उसे माफ कर दिया, पर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है।
अब जब इन्होंने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। Ha ha ha!